आपने अभी तक माइनक्राफ्ट के कई हॉरर मॉब्स की स्टोरी तो सुनी ही होगी, लेकिन आज इस स्टोरी को ही सुनकर शायद आपके मन में डर सा बैठ जाए और इसके बाद से क्या पता आप माइनक्राफ्ट खेलो ही नहीं। ये स्टोरी माइनक्राफ्ट के एक हॉरर मॉब पर बेस्ड है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो एक कहानी शुरू हुई माइनक्राफ्ट के दो बहुत मिस्टीरियस और एंशियंट करेक्टर्स से, विलेजर्स और पिलेजर्स। विलेजर्स वो है जिसने कि ओवरवर्ल्ड बनाया और पिलेजर्स वो है जिसने कि मैंशंस और बहुत मिस्टीरियस चीज़ें बनाई हैं। पिलेजर्स पहले अंडरवर्ल्ड में रहा करते और नल की स्टोरी यहीं से शुरू हुई। उस समय ओवरवर्ल्ड विलेज में हीरोपैन सबसे पावरफुल मॉब था, एंडर ड्रैगन से भी ज़्यादा, पर वो सभी विलेजर्स को मार रहा था और इसीलिए विलेजर्स ने डिसाइड किया कि वो भी पिलेजर्स के ही साथ एंडर वर्ल्ड में रहेंगे। पर पिलेजर्स अपनी लाइफ को भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विलेजर्स को मना कर दिया और एंडर पोर्टल को भी तोड़ दिया ताकि वो विलेजर्स एंडर वर्ल्ड में ना आ सके। और फिर विलेजर्स ने हीरोब्रेन से बचने के लिए अपनी एंचेंटमेंट से एक न्यू स्पेल अपनाई। सो बेसिकली वो स्पेल ये करती थी कि जिस पर भी वो स्पेल डाली जाएगी वो विलेजर्स का गुलाम बन जाएगा, और उन्होंने ऐसा ही किया और उनका प्लान भी सक्सेसफुल हो गया था। और अपने रिवेंज के लिए उन्होंने एंडर पोर्टल को फिर से बनाया और हीरोब्रेन को सभी प्लेजर्स को ख़त्म करने को कहा। और अब हीरोब्रेन एंडर वर्ल्ड में था और उसने लगभग सभी के सभी प्लेजर्स को मार दिया था। और अब जो भी बचे प्लेजर्स थे उन्होंने कुछ डार्क मैजिक सीखा और विलेजर से बदला लेने के लिए उन्होंने एंडर ड्रैगन के विंग से एलियट्रा बनाए जिससे कि वो हवा में उड़ सकते। और उन्होंने हीरोब्रेन से भी ज़्यादा पावरफुल मॉब बनाने की कोशिश की जिसमें कि यूज़ हुए एंडर ड्रैगन्स और एंडर मैन, और उन्होंने भी उसे गुलाम बनाने के लिए सैम स्पेल का यूज़ किया। वो मॉब पूरा ब्लैक दिखता पर उसकी आंखें वाइट थी और वो टेलीपोर्ट भी कर सकता, और उन्होंने उसे नाम दिया नल। नल का मतलब होता है नॉट एग्जिस्टेंस, और उन्होंने उसे ओवरवर्ल्ड में भेज दिया। और अब नल विलेजर्स को मार रहा था और विलेजर्स की स्पेल के कारण हीरोब्रेन उन्हें बचाने आ गया। और अब हीरोब्रेन और नल की फाइट हो रही थी और अचानक उनके फाइट के बीच में ही उस स्पेल का असर ख़त्म हो गया और अब वो दोनों माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लगे थे। पहले वो दोनों एंडर वर्ल्ड में गए और पिलेजर्स को ख़त्म करना चाहा, पर पिलेजर्स ने अभी भी वही स्पेल और नल को बनाने का तरीका एंडर वर्ल्ड में कहीं छुपा रखा है, और जो भी प्लेयर एंडर ड्रैगन को मारेगा उसे वो कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। और अब पिलेजर्स भी ओवरवर्ल्ड में आ चुके थे और अब वो वुडलैंड मैंशन में रहा करते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी न्यू स्टोरी के साथ।